नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय आज के दिन पड़ने वाला देवशयानी एकादशी है तथा आज के दिन से ही प्रारंभ होने वाला चतुर्मास तथा इस चतुर्मास में ही पड़ने वाला अधिक मास भी है। आज के दिन 1 जुलाई 2020 से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है और इस बार यह चतुर्मास 4 मास के बजाय 5 महीने का रहेगा। चतुर्मास का अर्थ है कि अषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि से 4 मास पर्यंत अर्थात सावन भादो आश्विन कार्तिक, यह 4 मास चतुर्मास माने जाते हैं और इस 4 मास में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। पर इस वर्ष यह 4 मास 4 महीने का ना होकर 5 महीने का होने वाला है, अर्थात कि यह चतुर्मास 148 दिनों तक लंबा चलने वाला है। इसके साथ ही यह चतुर्मास को खास भी माना जा रहा है और उसका वजह यह है कि यह 160 वर्ष बाद लीप ईयर और अधिक मास एक साथ इस चतुर्मास में पड़ रहे हैं। आपको बतला दें कि इससे पहले सन 1860 में ऐसा संयोग बना था जब लीप ईयर और अधिक मास एक साथ एक वर्ष में पड़ा था। इस चतुर्मास में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, विशेष तौर पर शादी मुंडन संस्कार सदैव वर्जित रहते हैं। यानी इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते जो कार्य, जो भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि कार्य रुके हुए थे, उन्हें इस वर्ष थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं यह चतुर्मास होता क्या है। सावन भादो आश्विन और कार्तिक हिंदू धर्म में इन 4 महीनों को इस समय चतुर्मास माना जाता है और यह समय बहुत ही खास माना गया है। इस चतुर्मास में व्रत उपवास जप तप आदि कर्म, इस प्रकार के विशेष कर्म का विशेष महत्व बतलाया गया है शास्त्रों में। आपको बतला दें कि देवशयानी एकादशी के दिन से यह चतुर्मास प्रारंभ होता है और इस चतुर्मास का अंत कार्तिक के देव प्रबोधिनी एकादशी को समाप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि यही वह 4 महीना होता है जिस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं और इसी वजह के कारण इस महीने के दौरान कोई भी शुभ कार्य या फिर मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। आइए जानते हैं क्या है यह चतुर्मास का महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार चतुर्मास का अपना महत्व बतलाया गया है। इस वर्ष 4 महीने की जगह 5 महीने यह चतुर्मास पड़ने वाला है, यानी 1 जुलाई से प्रारंभ होकर यह समय 25 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 26 नवंबर से आप पुनः किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को शुरुआत किया जा सकता है, कर सकते हैं। इस वर्ष 2 अश्विनी मास होने की वजह से चतुर्मास की समय अवधि बढ़ चुकी है, अर्थात 4 से 5 महीने हो चुकी है। इसका अर्थ यह निकलता है कि इस वर्ष श्राद्ध पक्ष के बाद अर्थात जो पितृपक्ष होता है उसके बाद आने वाला त्यौहार सब 25 दिन बाद आएगा, अर्थात 25 दिन और देरी से आएगा, क्योंकि श्राद्ध मास के बाद, श्राद्ध मास सदैव आश्विन मास में पड़ता है और आश्विन के बाद पुनः आश्विन मास की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि इस वर्ष एक अधिक मास आश्विन मास के रूप में पुनः पड़ेगा। आश्विन मास के बाद सभी त्योहारों का उद्गम माना गया है और हमारे संस्कृति में त्योहारों का ऋतु से बहुत ही गहन महत्व है, बहुत ही गहन संबंध है, क्योंकि हमारे संस्कृति में जिस प्रकार का ऋतु है उसी प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार में उसी प्रकार के क्रियाकलाप आदि संस्कारों को किया जाता है, उसी प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाया जाता है कि हम उस ऋतु के अनुकूल हो सकें। ज्योतिष शास्त्र में ऋतु की गणना सूर्य के गोचर से की जाती है और मास की गणना चंद्रमा के गोचर से की जाती है और यह अधिक मास किस प्रकार बनता है, इन विषयों पर हम एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे जो कि अधिक मास के ऊपर पूर्णतया फोकस्ड रहेगा। आज का हमारा विषय बस एक जनरल नॉलेज देने के लिए है कि आगामी समय जो कि आज 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ हुआ है,
25 नवंबर 2020 तक आप चतुर्मास में इंटर कर चुके हैं और इस समय किसी प्रकार के मांगलिक कार्य को नहीं किया जा सकता है। अन्य वर्षों के हिसाब से बात किया जाए तो जैसे ही श्राद्ध खत्म होता था उसके अगले ही दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। यदि तारीख के हिसाब से समझा जाए तो इस वर्ष 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध खत्म होने वाला है और इसके अगले ही दिन अधिक मास की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद यह अधिक मास 16 अक्टूबर तक चलेगा और 17 अक्टूबर 2020 से पुनः नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि के बाद 26 अक्टूबर को दशहरा पड़ रहा है और 14 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी और अंत में 25 नवंबर 2020 को देव उठानी एकादशी के साथ चतुर्मास की समाप्ति होगी। आइए हम ये जानते हैं कि इस चतुर्मास में क्या क्या करना उपयोगी है। सर्वप्रथम तो हमने जाना कि किसी प्रकार के मांगलिक कार्य को इस चतुर्मास में नहीं किया जाता, वर्जित माने गए हैं, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु अपने योग निद्रा में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि चतुर्मास का उपयुक्त फल प्राप्त करने के लिए इन 4 महीनों में जप तप और शुभ कर्म करने चाहिए, अपना समय सत्संग आदि चीजों में व्यतीत करना चाहिए, पुराण आदि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए। इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि तो वर्जित माने ही गए हैं। साथ ही इस समय यात्रा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक रूप से भी देखा जाए तो यह चतुर्मास बहुत ही भिन्न प्रकार का समय होता है। इस समय नाना प्रकार के चीज़ों की उत्पत्ति होती है, नए चीज़ों का ग्रोथ होता है, सभी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस भी अपने चरम स्तर पर रहते हैं। इसलिए हमारे सेजेस ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा निर्णय निकाला, ऐसा प्रावधान निकाला कि इस समय यात्रा करने पर थोड़ा अमंगलकारी सिद्ध हो सकता है, इसीलिए यात्रा वर्जित ही कर दिया जाए इस चतुर्मास में। चतुर्मास के बाद शादी विवाह पुनः किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस चतुर्मास में खान पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि इस समय इंसान की पाचन शक्ति में भी काफ़ी असर पड़ता है, थोड़ा सा पाचन शक्ति आपका वीक पड़ता है, इस समय थोड़ा सा कमजोर होता है। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी के साथ होता है। इसीलिए गरिष्ठ आहार, ज़्यादा तेल मसाला वाला आहार को नहीं लिया जाता इस समय। साथ ही खान पान के चीज़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत अधिक बढ़ जाते हैं इस चतुर्मास में। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो यह सावन मास से प्रारंभ होता है, जो कि 3 मास तक आपका वर्षा ऋतु चलता है। इसके बाद वर्षा ऋतु खत्म होती है और पुनः फिर से अनेक प्रकार के फ्लोरा एंड फाउना का डेवलपमेंट होता है और फिर हमारा दीपावली पर्व मनाया जाता है, जिसमें पूरे घर को अच्छे से साफ सफाई किया जाता है, जो भी गंदगी, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस जो भी उत्पन्न हो गए हैं उन सभी चीज़ों का नाश करके पुनः दीपावली और दीपावली में लक्ष्मी गणेश पूजन की जाती है। वैसे तो जप तप ध्यान तपस्या साधना के लिए यह समय बेहद ही शुभ माना गया है, यह चतुर्मास बेहद ही शुभ समय माना गया है इस प्रकार के कर्मों के लिए। लेकिन इसमें भी सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति इस माह में भगवान की कथा का पाठ, भगवान शिव की पूजा, धार्मिक अनुष्ठान या दान पुण्य करता है उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं तो उस समय वह सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं और यही वजह है कि यह समय भगवान शिव को अर्पित किया जाता है और इस मास का आरंभ श्रावण मास से होता है। साथ ही भगवान शिव और उनके परिवार की पूजन की विशेष महत्ता इस मास में मानी जाती है। दोस्तों, सोमवार 6 जुलाई 2020 से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो से मोटिवेट होकर
अवश्य ही अपने धर्म अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहेंगे और आप अपने मंत्र या फिर पाठ या फिर किसी प्रकार के शास्त्र और ग्रंथ का चयन कर लें जिसका अध्ययन और अभ्यास आप इस चतुर्मास में करना प्रारंभ करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं अधिक मास के ऊपर विशेष रूप से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पूरे टेक्निकल नॉलेज के साथ उसके व्यवहारिक नॉलेज के ऊपर भी बात की जाएगी। सुखद मनोकामना के साथ वीडियो समाप्त करते करते आप सभी से अनुरोध है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए व्यूअर्स हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।